हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं खेलने वाला हूं द मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडी एंड एक्सक्लूसिव गेम ऑफ प्लेस्टेशन, द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू। और ये मैं सर्वाइवर मोड पे खेलूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस गेम के अंदर दिखाए गए ब्लडशेड, वॉयलेंस या फिर किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को मैं बिल्कुल भी प्रमोट या बढ़ावा नहीं देता हूँ। इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। ये मिशन सीटर डे वन में है, जहां हम एली एबी को ढूंढने के लिए निकलती है। और हमारी कंपेनियन यहां पे है डीना। हमारे सामने दो रनर्स हैं, एक हमारी तरफ आ रहा है और दूसरा आई थिंक स्टैंडिंग मोड पे सो रहा है। इस रनर को मारना नहीं है, क्योंकि इसे मारने से बाकी अलर्ट शायद से हो सकते हैं। मुझे चकमा दे के निकलना होगा, मुझे वेट करना होगा इसके पीछे। हाँ, नाउ वी कैन मूव। आई थिंक क्रॉल करना होगा मुझे। ओके, हम काफ़ी करीब पहुंच चुके, हमें ऊपर से जंप मार के निकलना है। एंड आई थिंक वी डिड, यस हमने कर दिया। क्रॉल पोजिशन पे आता हूँ, प्रोन करके हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखते, हमारे सामने है एक क्लिकर है, दो क्लिकर्स हैं और एक रनर है। ओके, नहीं, दो रनर्स हैं और दो क्लिकर हैं। क्लिकर्स स्टैंडिंग मोड पे सो रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन रनर्स हैं वो काफ़ी अलर्ट हैं और रनर्स देख भी सकते हैं हमें। डीना हमसे आगे निकलती हुई, डीना कुछ करना मत प्लीज़। अच्छा, फटाफट, अरे यार ये रनर तो बिल्कुल सामने आ चुका है, आई थिंक ही इज अलर्ट। मुझे फटाफट टेक डाउन करना होगा इसे। हाँ बस, आई थिंक वो अलर्ट नहीं हुआ है। ओके, अच्छा एक रनर बिल्कुल हमारे सामने है, वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है। ऑल राइट, अभी भी रिस्क किया, अभी भी मुझे वेट करना होगा। वो हमारे तरफ ही आ रहा है। वो रनर अगर अलर्ट हो गया तो क्लिकर्स भी अलर्ट हो जाएंगे। मुझे वेट करना होगा उसके पीछे मुड़ने की। अब फटाफट निकलते, फटाफट, किसी की वेट नहीं करनी है, फटाफट हमें ऊपर चढ़ना है। ऑल राइट, ओके, फटाफट ऊपर चढ़ते हैं। वो रनर कभी भी इस तरफ आ सकता है। आई थिंक वो मुझे देख रहा है, मुझे फिर से प्रोन होना पड़ेगा। एक रनर काफ़ी है, लेकिन हमने आई थिंक काफ़ी हद तक कर ही दिया है। हम पहुंच चुके हैं, अब बस हमें इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करना है। आई थिंक वी मेड इट, यस वी मेड इट, डन। अच्छा, ये मिशन में एबी है और हमारा कंपेनियन है लिव, लिव लेली जो भी कहो। हमें इस बिल्डिंग के अंदर घुसना होगा। कांच है, मैं हेडशॉट के साथ तोड़ता हूँ। यस, अच्छा अंदर जाते हैं। अंदर शैम्बलर है, बाप रे शैम्बलर। मैं पहले ही कह दूँ, एक बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक जॉम्बी कहो है, जो कि क्लिकर और रनर से भी ख़तरनाक है। और शैम्बलर को स्टिल स्किल देना मुश्किल है। मैंने आप एक रनर को दे दिया टेक डाउन। शैम्बलर आई थिंक देख सकता, नहीं 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 बच गए। क्लिकर पीछे से कभी भी आ सकता है, क्लिकर को भी मारना ही होगा। एंड बहुत ही ध्यान से, धीरे धीरे। हाँ बस, अच्छा ये मिशन लगता बहुत इजी लेकिन है नहीं। आई थिंक अब सिर्फ एक शैम्बलर ही बचा है। और अच्छा, यहाँ पे रनर भी है, इसे भी साइलेंटली टेक डाउन करना होगा। शैम्बलर एक काफ़ी ख़तरनाक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी है और उससे बचना मुश्किल है काफ़ी। उसे स्टील स्किल मैं नहीं दूंगा, बस निकलना है, फटाफट यहाँ से निकलना है, इससे पहले शैम्बलर मेरे पीछे आ जाए। एंड वी मेड इट, डन, हमने कर दिया। अच्छा, ये मिशन में एबी है और हमारा कंपेनियन कोई नहीं है। और हमारे राइवल्स कौन हैं, इन्फेक्टेड या फिर स्कार्स सरफाइस, ये हमें आके चके पता चलेगा। ध्यान से निकलना है, कभी भी कोई आ सकता है। मैं यहाँ पे छुप के देखता हूँ। हाँ, शिव रेडी कर लूँ। शिव एक चाकू जैसा वेपन है। ओके, यहाँ पे तो मैडम हरोड़ा लेके मारने के लिए आ रही। बाप रे, इस तरफ मुड़ना मत लेकिन पीछे।
हाँ बस इसे मेरे को देना होगा स्टिल्थ किल। यस यस, इसे हम अपनी बाहों में जकड़ के नहीं मार सकते क्योंकि ये काफी हैवी हैवी स्कार है। अच्छा, इसका हथौड़ा ले लिया मैंने, कभी काम आएगा। अभी भी आई थिंक एक और स्कार इसको, हाँ इसे शिव देने की ज़रूरत नहीं। इसे बाहों में जकड़ के अच्छे से पकड़ के इसका गर्दन दबोच मारते हैं। हाँ बस, मुझे पता नहीं आगे कितने हैं, मुझे बहुत ध्यान से छुप छुप के निकलना होगा। यहाँ पे तो सेफ है, यहाँ पे तो कोई है नहीं। आगे चके देखते हैं, आगे एक स्कार है, दो स्कार है, तीन है और चार भी है, तो वो पीछे मुड़ चुके हैं। मुझे डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ फेंकना होगा, मैं ईंट फेंकता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे एक स्कार डिस्ट्रैक्ट है, इसे फटाफट चुपके से टेक डाउन करना होगा। अरे वो सामने से आ चुका। हाँ बस, जल्दी है, अभी जल्दी, एक स्कार कभी भी इस तरफ आ रहा है, मुझे उससे बच के निकलना होगा। मुझे वेट करना होगा, वो कभी भी पीछे मुड़ के देख सकता है या देख सकती है। एंड फटाफट इसे ओपन करना होगा, थोड़ी आवाज़ तो होगी लेकिन क्या करे। एंड आई थिंक वी मेड इट, किसी ने हमको देखा नहीं। डन, इसे अच्छे से अभी हमें बंद करना है। क्लोज्ड, खत्म। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एबी है और हमारा कंपेनियन कोई नहीं है, हम एक जंकयार्ड शिप के अंदर हैं और आगे हमारे सामने एक रनर है, वो साइलेंट मोड पे सो रहा है। इसको बाहों में जकड़ के मारना है, अच्छे से जकड़ देना है इसको। हाँ, साइलेंटली एकदम। देखिए अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है। अंदर आई थिंक कुछ कलेक्टेबल्स और आइटम्स हैं जो मेरे काम आ सकते हैं। ओके, ये मैं ले लेता हूँ, कभी काम आएगा। आई थिंक मुझे शिव रेडी करना होगा। ओके, दो शिव्स हैं, क्लिकर्स को मारने में काम आएगा। और क्लिकर बिल्कुल मेरे सामने आ ही चुका है, मैंने उसका नाम लिया और सामने आ गया। मुझे वेट करना होगा उसकी जाने की या पीछे मुड़ने की। उसको आई थिंक साइलेंट टेक डाउन करना ही होगा धीरे से। हाँ, एबी के पास चाकू नहीं है, शिव है और शिव रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, हमें उसे मैन्युअली हाथ से बनाना होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रनर है तो साइलेंटली सो रहा है। हाँ बस, नहीं, शिव रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम रनर्स को बिना शिव के मार सकते हैं लेकिन क्लिकर्स को नहीं मार सकते। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ यूज़फुल आइटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। टेडी बेयर मेरे कुछ काम का नहीं है। आई थिंक ये एरिया पूरा क्लियर है। अब फटाफट मुझे जंक किया, आई थिंक कोई देख रहा है मुझे। आई थिंक नहीं, ये एरिया क्लियर है। मुझे बहुत साइलेंटली निकलना होगा, कभी भी कहीं से कोई भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक शिव रेडी कर ही लिया ऑलरेडी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक रनर या क्लिकर कोई है, मुझे पता नहीं कौन है। आई थिंक क्लिकर है, क्लिकर की हियरिंग पावर बहुत तेज़ है और वो हमारे पैरों की आवाज़ बड़े आराम से सुन सकता है। मुझे बिल्कुल धीरे धीरे निकलना होगा, एकदम बिल्ली की तरह निकलना होगा, पैरों की आवाज़ भी आनी नहीं चाहिए। रनर्स की हियरिंग पावर इतनी नहीं लेकिन वो हमें देख सकते हैं। आई थिंक आगे क्लिकर या रनर है। बाप रे, तो साइलेंट मोड पे सो रहा है। आई थिंक एक ही है मेरे ख्याल से, एक ही है। उसे बाहों में जकड़ के अच्छे से मार देना। हाँ, तो काफ़ी हाईली इन्फेक्टेड है। बाप रे, अब बाहर निकल सकते हैं क्या? हाँ, इट इज़ सेफ नाउ, हम बाहर निकल सकते हैं। चलो आगे, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पूरे काले बादल। बाप रे, बहुत ही हॉरर सा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, आगे देखते हैं, ऊपर मैंने एक क्रॉस बो ले लिया अपना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्लिकर है, क्लिकर को हेडशॉट से मैं मारूँगा क्योंकि शिव मेरे पास अभी है नहीं। शिव है पर आई थिंक एक ही है, इसे हेडशॉट से बड़े अच्छे से मारना है। अगर मिस हो गया तो बाकी सब अलर्ट हो जाएंगे, तो बहुत ध्यान से मारना है। हाँ बिल्कुल ध्यान से, आई थिंक। अरे बाप रे, ये अचानक से कितने सारे आ गए, एक क्लिकर और एक रनर। अच्छा, किसी ने देखा नहीं मुझे, लेकिन मुझे इस क्लिकर को
हेडशॉट के साथ मारना है, बहुत पास में अब होना ही चाहिए। हाँ बस आई थिंक कोई अलर्ट नहीं हुआ है। मेरे पीछे एक क्लिकर है और आगे एक रनर है, रनर देख सकता है मुझे। उससे पहले कि वो यहाँ पे आए मुझे फटाफट साइलेंटली टेक डाउन करना है। एंड कम ऑन, हाँ पकड़ में आ गया। आवाज़ मत करना, आवाज़ मत करना। हाँ बस फटाफट चुपके से निकलना। आई थिंक मुझे कोई देख रहा है, मुझे बहुत साइलेंटली निकलना होगा, बहुत साइलेंटली। यहाँ पे तो शैम्बलर है, बाप रे, शैम्बलर से बचना मुश्किल है काफ़ी। इसको स्टिल्थ किल नहीं कर सकते, हमें इससे सिर्फ एस्केप ही करना है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ तो आएगी लेकिन क्या करें, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। एंड आई थिंक ही मेड इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ मिशन में एली है, हमारा कंपेनियन कोई नहीं है और हमें बोर्ड स्टील करनी है। ऑल राइट, पानी से बच बच के निकलना होगा। पानी में हमें कोई देख सकता नहीं, लेकिन सांस लेने के लिए हमें ऊपर आना होगा। यहाँ पे तो कठपुतलियाँ ही हैं खाली, पानी में काफ़ी मछलियाँ भी हैं। अच्छा और क्या है, मछली के अलावा और क्या है, सांप बिच्छू मगरमच्छ कुछ है? नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा सांस लेने के लिए हमें ऊपर आना होगा। अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आई थिंक एक WLF का सोल्जर है, वो कभी भी पीछे मुड़ सकता है। मुझे फटाफट ऊपर चढ़ के निकलना होगा, फटाफट ऊपर चढ़ना होगा। डॉन ऑफ द वुल्फ आई थिंक उसने मुझे देख लिया, वो गार्ड मेरे पीछे ही आ रहा है। मुझे फटाफट ऊपर चढ़ना होगा, उसने देखा नहीं है मुझे। अच्छा आई थिंक वी आर सेफ, कोई अलर्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दो गार्ड्स हैं, दोनों काफ़ी हाईली अलर्ट हैं। मैं बॉटल फेंक के डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ लेकिन रिस्की है काफ़ी। दोनों गार्ड्स को अलग करना होगा मुझे, मुश्किल है ये, थोड़ा मुश्किल है। मुझे वेट करना होगा, वो बिल्कुल सामने आ रहा है हमारे, मुझे वेट करना होगा। सर्वाइवर मोड पे खेल रहे हो तो ये मिशन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये गार्ड्स एनिमीज हमारे राइवल्स काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं, हमें कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, इन्हें मारना मुश्किल है। आई थिंक अब फटाफट मैं टेक डाउन करता हूँ उसको। नहीं 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 अभी राइट टाइम नहीं है। अच्छा हुआ मैंने टेक डाउन किया नहीं, वो बिल्कुल दूसरी गार्ड हमारे सामने आ चुकी थी। मुझे दोनों को अलग करना होगा, अभी आई थिंक राइट टाइम है मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ी देर वेट करनी होगी। एंड नाउ आई कैन डू वी कैन, हाँ उसको पता चल चुका है लेकिन आई थिंक अलर्ट नहीं हुआ है, उनको शक पड़ा है खाली, उन्होंने किसी को अलर्ट नहीं करा। एंड धीरे से, हाँ बहुत तुम लोगों ने छुपम छुपाई खेली। नाउ यू आर डन, फाइनली पकड़ में आ गए। अभी हमें नीचे जाके बोट स्टील कर रही हैं। ये एस्केलेटर्स हैं, ये कुछ काम नहीं करते, बहुत पुराने हैं। आगे दो गार्ड्स हैं, दोनों मेरी तरफ ही आ रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं आई थिंक। कोई बात नहीं, मुझे वेट करना होगा। आई थिंक वो ऊपर नहीं आए तो अच्छा, ऊपर नहीं आएंगे, वो पीछे मुड़ चुके हैं। अब मुझे वेट करना होगा कि दोनों उस तरफ चले जाएं। कम ऑन, हाँ नाउ इट इज़ द राइट टाइम, अब हमें निकलना होगा, फटाफट निकलना। अरे तो पीछे मुड़ के कभी भी देख लेते हैं, तो काफ़ी उन्होंने, उनको शक पड़ चुका था। नहीं 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 पड़ा है, हम अभी भी सेफ हैं। हाँ साइलेंटली निकलना, किसी को पता, ये रही बोट, बहुत पास पहुंच चुके हैं। आई थिंक उन्होंने मुझे देख लिया है, उनको शक पड़ गया है। ये शॉटगन शेल मैंने ले लिया है, कभी काम आएगा। अरे बाप रे, ये तो इस तरफ ही आ रहे हैं, मुझे फटाफट साइलेंटली। हाँ वो दूसरा गार्ड है, वो भी अलर्ट तो हो चुका है लेकिन उसको शक पड़ा है खाली, ही इज़ नॉट श्योर। वो आई थिंक इस तरफ ही आ रहा है, उसकी वेट करनी होगी, उससे भी इसी तरह साइलेंटली टेक डाउन करना है। या बस आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर, अब हम निकल सकते हैं।
अरे नहीं 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 एक और तीसरा गार्ड भी है, उसने भी उसको भी शक पड़ गया है। अरे बाप रे कितने सारे गार्ड्स हैं, वो भी इस तरफ ही आ रहा है, उसे भी इन दोनों की तरह मुझे साइलेंटली टेक डाउन करना होगा। उसको शक तो अच्छे से पड़ गया, उसने बॉडीज देख ली है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी क्लोज वेरी क्लोज, दैट्स इट। हाँ अपनी जुबान मत खोलना, आई थिंक नाउ इट इज ऑल क्लियर, अब कोई बचा नहीं है, ऑल आर डेड। अब मैं बोट आराम से स्टील कर सकता हूँ, आई थिंक वहाँ पे एक है पर वो काफ़ी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उससे भी साइलेंटली टेक डाउन करना है, वो मुझे देख रही है, मुझे फटाफट पानी के अंदर से निकलना होगा। उसको शक पड़, नहीं 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 उसको शक नहीं पड़ा है, मैं वहाँ पे, ये तो मछली जा रही है, मछली पकड़ लेता हूँ। नहीं मछली पकड़ने का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं फटाफट सांस लेता हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अच्छा कहाँ पे, अरे वहाँ पे है तो मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, वहीं पे रुकना मैं आ रहा हूँ। हाँ फटाफट ऊपर चढ़ के देखते हैं ऊपर के, अरे तो वहाँ चली गई। अरे ये तो बहुत हाइड एंड सीक खेल रही है, कोई बात नहीं मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, वहीं पे है ना, मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे हैं, हाँ ये रही ना, बस अब तो तेरा काम तमाम, बहुत छुपम छुपाई खेल ली। एंड फटाफट सांस लेने के लिए तो ऊपर आना ही पड़ेगा, ध्यान से धीरे से स्टिल्थ किल करना है। आई थिंक शी इज़ द लास्ट, ये पक्का लास्ट ही है। हाँ बिल्कुल चुप, हाँ आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर नाउ, अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है, अब मुझे आराम से मैं बोट स्टील कर सकता हूँ। अब कोई नहीं है, पूरा रास्ता साफ है हमारा, अब हमें बस वो बोट स्टील करनी है। एंड दैट्स इट, वी मेड इट, हमने बोट चोरी करने में कामयाब हो गए। अब इसे ऑन, अरे अभी भी आई थिंक अलर्ट, पर चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं, वो काफ़ी दूर हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई थिंक यहीं से निकलना है, तो काफ़ी पानी का बहाव तेज़ है, निकलते हैं, वो गन फायरिंग कर रहे हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से फटाफट, डन। ये वाले मिशन में हमारा कंपेनियन जेसी है, एक चाइनीज करेक्टर है, और यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है काफ़ी, दो गार्ड्स हमारे सामने, दो गार्ड्स पीछे। जेसी शायद मदद करे तो अच्छा। हाँ फटाफट एकदम फटाफट, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, दो गार्ड्स उस तरफ है, उनको अलर्ट नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ है, हमें वहाँ जाना होगा साइलेंटली। उनको शक तो पड़ गया, लेकिन वो इस तरफ ही आ रहे हैं, मैं फटाफट निकलना होगा। वहाँ पे गाड़ी बुरी तरह जल रही है, पता नहीं कौन ड्राइविंग करता है ऐसे। गार्ड्स, अरे तो बिल्कुल इस तरफ आ ही चुके, अच्छा उन्होंने देखा नहीं मुझे, बहुत क्लोज था। ध्यान से धीरे से स्टिल्थ किल करना है, ध्यान से, अरे बच गए बच गए, हाँ बहुत क्लोज था ये तो, एक गार्ड बचा है खाली बस, वो अगर अलर्ट हो भी गया तो भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। ध्यान से, अरे उसको पता चल गया, ध्यान से बेटा तेरे सारे मेंबर्स डाउन है, अब तू किसी को भी अलर्ट करेगा कोई आने वाला नहीं तेरी मदद के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जीप चोरी करनी है WLF की। चलो आई थिंक वी मेड इट, हमने कर दिया, फटाफट ये यहाँ से ये जीप चोरी करके निकलते हैं। ओके ओके हाँ फटाफट निकलते हैं, अरे तो चल नहीं रही है, फटाफट फटाफट चल फटाफट, अरे और भी आ गए, अरे कोई बात नहीं मैं हेडशॉट देता हूँ, हेडशॉट तो लग ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं फटाफट गाड़ी चालू कर, बहुत आए तो नहीं लेकिन फिर भी मुझे, अरे ये कहाँ से आ गए, अब तो हेडशॉट लेना ही होगा वरना जैसी मरेगा। हाँ बच गया, जैसी बच गया, अभी और कौन है, अभी और भी आ रहे हैं, ये पीछे गाड़ी चल पड़ी हमारी, और पीछे से एक आर्मर्ड व्हीकल आ रहा है, फटाफट फटाफट गाड़ी निकाल, फटाफट फटाफट निकाल। हाँ बस अभी हेडशॉट लेना मुश्किल है क्योंकि दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं, अरे ग्लास को तोड़ना होगा, कोई बात नहीं बिना ग्लास के मैं हेडशॉट ले लूँगा। गेम में थ्रिल और एक्साइटमेंट काफ़ी अच्छा, आई लाइक दिस,
अरे गाड़ी इंबैलेंस हो चुकी है, अंदर ड्राइवर को टेक डाउन करना होगा, इसको हेडशॉट के साथ ही मारता हूँ। हाँ हेडशॉट, ये रहा गया, एक बचा है खाली बस, उनकी गाड़ी पूरी इंबैलेंस हो चुकी है उसके लिए। अब कहीं ना कहीं डन बेटा, हमसे पंगा लोगे तो यही होगा। अभी भी कोई बचा है? हमें ये तोड़ना होगा ये आगे का फ्रंट ग्लास। आई थिंक एक गार्ड बच गया है, उसे मैं टेक डाउन फटाफट। अरे अभी यहाँ पे रनर्स भी आ गए, एक मुसीबत खत्म नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई। अरे इन्हें भी शॉर्ट गन से फटाफट कहीं भी आ सकती, क्लिक करती यहाँ पे तो। अरे गाड़ी चल पड़े यहाँ से तो खून के प्यासे एकदम, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं भाई, इनसे बच के निकलना है। पुलिस को ऐसे बहुत सारी है, हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुकी है, पानी में गए। अरे पानी से बाहर निकलना होगा, फटाफट पानी में तैर के बाहर निकलते हैं। पानी में मगरमच्छ तो नहीं ना? नहीं नहीं वो तो नहीं है। जैसी हमारी मदद कर फटाफट। हाँ बस हेल्पिंग हैंड चाहिए था मुझे यहाँ पे। अब फटाफट पानी में तैर के निकलते हैं। आई थिंक वी मेड इट, अब कोई बचा नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल था काफ़ी, लेकिन कर दिया। अब चैन की सांस लेंगे, डन हमने कर दिया। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। और आगे ये मिशन में हमारा कंपेनियन है डीना। हमारे सामने एक शैम्बलर है, दो शैम्बलर्स हैं, किसी को भी मारना नहीं है, मार सकते भी नहीं है, स्टिल स्किल करना मुश्किल है काफ़ी। कोई बात नहीं, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा बच के। बहुत जहरीली गैस है, पोर्स कहते हैं जिसे। मैंने मास्क पहन रखा है, आके एक क्लिकर भी है, क्लिकर नहीं आई थिंक रनर है, मेरे ख्याल से रनर है, उसे मारना नहीं है आई थिंक। मारना है मार डालते हैं, उसमें क्या है। हाँ पकड़ में आ गया ना, दैट्स इट। अब शैम्बलर्स आई थिंक अलर्ट नहीं हुए मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शैम्बलर्स हैं, शैम्बलर्स भी क्लिकर्स से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। बाहर कोई एक और है, आई थिंक रनर है मेरे ख्याल से। उस रनर को भी टेक डाउन करना ही होगा, वो बहुत ही शातिर है, लेकिन वो अलर्ट कर सकता है लोगों को। यहाँ पे क्या है, आग जल रही है मेरे ख्याल से, आग तो नहीं है, कुछ और है मेरे ख्याल से। क्या है, क्या देख के आना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑल फुल है सब कुछ। आई थिंक कुछ है, देखता है क्या है वहाँ पे। आई थिंक एक फ्लैश लाइट है आई थिंक, या कुछ फ्लेम है मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो आई थिंक कुछ है नहीं यूज़फुल है, गन की बुलेट से मैं ले लेता हूँ। ये कुछ टेप्स पड़ी हैं, ये रास्ता ब्लॉक है, यहाँ से निकल सकते नहीं है। फटाफट ढूंढ रास्ता कहाँ से निकलना है, वो शैम्बलर कभी भी पीछे आ सकते हैं हमारे, वो तो ऐसे अंदर हैं। और ये फ्लेम जल रही है, हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा इससे पहले शैम्बलर आ जाए। कहाँ पे जाना है मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये रास्ता है मेरे ख्याल से, यहाँ से निकल सकते हैं, पर ये आई थिंक लॉक्ड है। हमें कुछ अच्छा यहाँ से ये रास्ता ये खोल सकता हूँ ना मैं, चेन आवाज़ तो होगी लेकिन क्या करें। शैम्बलर इससे पहले आए, उससे पहले पहले हम निकल जाएंगे। वो अलर्ट हो चुके हैं, फटाफट 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 खोल। जैसे हम पानी में पानी भरने के लिए घड़ा डालते हैं कुएं में। हाँ बच गए, बच गया, डन हमने कर दिया। अच्छा ये वाले मिशन में हमारा कंपेनियन जीना है, ये भी सीटर डे वन में सही है। और मुझे मिशन काफ़ी हार्ड लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। अच्छा कुछ फाइलें पड़ी हैं। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट गन, मेरे कुछ काम की नहीं, मैं किसी को भी गन फायरिंग से नहीं मारने वाला हूँ, मैं साइलेंटली करने वाला। ये पे क्या है, टेप्स पड़ी हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये टूटी हुई दीवार है, यहाँ से निकलते हैं। हाँ बस यहाँ पे कोई है तो नहीं ना, या आई थिंक कोई ऑफिस होगा मेरे ख्याल से।
ये यहाँ पे लोगों के डेस्क होंगे। यहाँ पे आई थिंक कोई नहीं, यहाँ से फटाफट निकलते। आई थिंक कोई आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ एक गार्ड है, मैं वहाँ से निकलने वाला था, बच गया। अब मुझे वेट करना होगा इनकी। अच्छा दो दो गार्ड्स हैं, वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे मैं छुपा हुआ हूँ। मुझे वेट करना होगा दोनों आगे निकल जाएं और फिर मैं स्टिल टेक डाउन करूँ उनका। ये तो हमें सूंघ सूंघ के ढूंढ रहे हैं, इतना गुस्सा भरा हुआ है, बाप रे। कोई बात नहीं बेटा, हम भी पकड़ में नहीं आने वाले। वो इस तरफ ना आ जाए, उसके हाथ में हथौड़ा है। नहीं, इस तरफ मत। हाँ ठीक है, बच गए। साइलेंटली टेक डाउन करना, बिल्कुल साइलेंटली। अरे ये तो कहीं से भी ढूंढ निकाले हमको। कोई बात नहीं, एक गार्ड डाउन है और आई थिंक एक आगे है, मैंने उसको आगे जाते हुए देखा है। आई थिंक वो इस दीवार से निकल गया होगा, नीचे गया होगा। हाँ यहाँ पे ही है ये। अच्छा हुआ ये बिल्कुल ऑपोजिट में था। आई थिंक इसे भी पकड़ के स्टिल्थ किल करते हैं। हाँ बस खत्म। अरे ग्लास टूट गया, कोई अलर्ट तो नहीं हुआ ना मेरे ख्याल से। नहीं, कोई अलर्ट नहीं हुआ है। अभी भी मैं देख सकता हूँ, एक गार्ड है हमारे आगे, उसे भी साइलेंटली टेक डाउन करना है। वो भी कभी भी यहाँ पे आ सकता है। ओके नीचे देखते, नीचे क्या है। नीचे मेरे ख्याल से तीन गार्ड्स हैं, तीन हैं। ओके और यहाँ पे दो आ गए। कोई बात नहीं, मुझे वेट करना होगा। वो इस तरफ ही आ रहा है। अरे डीना कुछ करना मत, डीना अलर्ट ना कर दे। मुझे ध्यान से धीरे धीरे उसको। हाँ बस बेटा, ये छुपम छुपाई बहुत खेल लिया अभी। संताप कुकड़ी जो भी कहो। अच्छा यहाँ पे एक गार्ड था, कहाँ चला गया। यहीं पे था, चला गया। कोई बात नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से ये फर्स्ट फ्लोर क्लियर है। अब हमें नीचे जाना होगा। यहाँ से जाना डेंजरस है, मैं यहाँ से जाऊँगा। यहाँ से हाँ, यहाँ पे एक गार्ड वो रहा, वो नीचे चला गया। यहाँ पे दो गार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक तीन तो हैं, मैंने तीन देखे थे। मुझे फटाफट उसे स्टील टेक डाउन करना को काफ़ी। अरे बाप रे, ये तो इस तरफ ही आ रहा है, मुझे फटाफट पीछे मुड़ना होगा। ऑल राइट अरे उसको शक पड़ गया है, मुझे दूसरा गार्ड भी इस तरफ देख रहा है। मुझे साइलेंटली टेक डाउन करना होगा, फटाफट फटाफट कर एली। वो देख रहा है गार्ड मुझे। हाँ उसको पता नहीं चला, उसको पता नहीं चला, बच गए। अच्छा यहाँ पे एक गार्ड और आ गया, मैंने कहा था यहाँ तीन गार्ड हैं। इसे भी साइलेंटली टेक डाउन करना होगा मुझे। एंड एंड बस दैट्स इट, डन। अभी आई थिंक एक गाड़ी बचा है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, एक ही गाड़ है। ये थोड़ा हार्ड है मिशन, क्योंकि कंपाउंड काफ़ी बड़ा है और लोग बहुत सारे हैं, हमारे राइवल्स गार्ड्स, WLF के सोल्जर्स। अरे दो दो हैं, मेरे को लगा एक ही है। अरे वो तो मैडम यहीं पे आ रही है, यहाँ पे मत आना, यहाँ पे मत आना। अरे पीछे मुड़ जा। हाँ बस दूसरा गार्ड उस तरफ से गया है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। मुझे वेट करना होगा। यहाँ से मैं ऊपर, यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ क्योंकि वो काफ़ी अलर्ट हैं। मुझे वेट करना होगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ऑल राइट कोई बात नहीं। ओके अब आई थिंक हम आराम से कर सकते हो, काफी करीब आ चुका है। एंड दैट्स इट, बहुत हो गया तेरा।
बहुत तूने इधर से उधर घुमा लिया, अब बस एक ही गार्ड बचा है, वो आई थिंक इस तरफ नहीं आ रहा हो तो अच्छा, आ रही हो वो जो भी हो, हाँ वो दूर है काफ़ी, उसे भी साइलेंटली टेक डाउन करना होगा ना। आई थिंक शी इज़ द लास्ट वन, उसके बाद कोई नहीं है, उसके बाद ये पूरा एरिया क्लियर है और हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, हम उसको पकड़ ही लेने वाले हैं। बट अब तेरा बचना मुश्किल है, तेरे सारे मेंबर्स डाउन हैं, यू आर द लास्ट वन एंड दैट्स इट। तेरे को पकड़ ही लिया, ओके आई थिंक वी मेड इट, हमने क्लियर कर दिया, आपको बचा नहीं है, डन। अच्छा ये मिशन भी सीटल डे वन में ही है, हमारी कंपेनियन डीना है, जहाँ हम बच के निकलते हमें पकड़ लिया होता है, ओके लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारे सामने तीन गार्ड्स हैं WLF के। ऑल राइट, इनकी मैडम है, इनको पहले मारना ही होगा, और ध्यान से रेंगते उनते निकलते हैं, पकड़ लिया, फटाफट फटाफट, वो गार्ड पीछे मुड़ के कभी भी देख सकता है, फटाफट 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 फटाफट, हाँ बस उसको शक पड़ गया मेरे ख्याल से, लेकिन इससे पहले मैं इस गार्ड को मारता हूँ, इसके बाद सिर्फ एक ही गार्ड बचा, हमें झाड़ियों में छुप छुप के जाना होगा, एकदम सांप की तरह रेंगते हुए। अब सिर्फ एक ही गार्ड बचा है, अरे ऊपर से और भी आ गए, दो तीन है मेरे ख्याल से, टोटल चार हो गए मेरे ख्याल से। अब तो भाई मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा और किसी को भी स्टिल टेक डाउन नहीं करना है। ये काफ़ी सारे हैं, कभी भी इस तरह आ सकते हैं, ओके यहाँ पे छुप छुप के नहीं, या तो ये मैडम यहीं पे इस तरफ ही आ रही है, अरे बाप रे बहुत करीब है, कभी भी इस तरफ आ सकती है, नहीं नहीं यहाँ पे मत आना, हाँ बच गए। मुझे डिस्ट्रैक्शन करती हूँ कि मैं बॉटल फेंकता हूँ कांच की और मैं ये ले लेता हूँ, फटाफट ऊपर चढ़ के भागते हैं, फटाफट आई थिंक हमें कोई देख नहीं रहा है, फटाफट निकलते हैं एंड डन। अच्छा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौवे काफ़ी काका कर रहे हैं, ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ पड़ा है आई थिंक मेरे लिए कुछ यूज़फुल है, हाँ कभी काम आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे और भी गार्ड्स आ गए, आई थिंक मैंने कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे और भी गार्ड्स को चकमा देना होगा, और ये काफ़ी अलर्ट हैं, इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है हमें ढूंढने की। और यहाँ पे एक मैडम आ रही है यहाँ पे, और यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से टोटल तीन है, दो इस तरफ है और इस तरफ एक है, मुझे वेट करना होगा, इन तीनों को अलग करना होगा। एक गार्ड है वो बिल्कुल इस तरफ ही आ रहा है, आ चुका है, उसको फटाफट साइलेंटली मारते, हाँ बस आई थिंक कोई अलर्ट नहीं हुआ है, वो दोनों इस तरफ चले गए हैं। ऑल राइट एवरीवन रिपोर्ट इन, नो वन इन दिस एरिया, यू गॉट एनीथिंग, ओके अभी भी मैं देखता हूँ, आई थिंक डिस्ट्रैक्शन के लिए बॉटल फेंकनी, ब्रिक फेंकनी पड़ेगी, ईंट, फटाफट निकलते हैं उससे पहले कोई देख ले, फटाफट अरे वो देख रहा है मुझे, तो काफ़ी मुश्किल है, कोई बात नहीं बस फटाफट यहाँ से निकलते हैं, कम ऑन, काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, सिर्फ वो दरवाज़ा खोल के निकलना है, कम ऑन, हाँ बस डन, हमने कर दिया, हमने उनको चकमा दे दिया। चलो अच्छा यहाँ पे हमारा कंपेनियन है जोल मिलर, लास्ट ऑफ अस पार्ट वन में ये मेन करेक्टर होता है, एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट कंपेनियन, और जोल ने एक क्लिकर को स्किल टेक डाउन कर भी दिया, वाह मैं भी पकड़ लेता हूँ रनर को, हाँ तो बहुत सारे बाप रे, तो तीन जोल के पे मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ यूज़फुल पड़ा है, अरे बाप रे एक क्लिक
रनर है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सामने से आ ही गया था मेरे। अच्छा इसने देखा नहीं मुझे। और ये रनर तो बहुत ही अलर्ट है। बाप रे, बच गए बच गए, उसने मुझे देख ही लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक क्लिकर है और एक रनर है। रनर बिल्कुल उस डायरेक्शन में खड़ा है, मार सकते हैं। That's it. कर दिया मैंने। क्लिकर तो देखा था, एक क्लिकर तो है। और कौन बचा यहाँ पे? एक रनर भी है। रनर देख सकता है मुझे, क्लिकर देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति काफ़ी है। हमने मास्क पहन रखे हैं। मुझे फटाफट इस रनर को स्टील टेक डाउन करना। आई थिंक क्लिकर ने मुझे देखा नहीं है, वो देख सकता भी नहीं है, लेकिन सुन सकता है। हाँ बस, क्लिकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है एंड वो भूखा है। इज हंगरी। हाँ बस, क्लिकर बाप रे, इसकी शक्ल तो कितनी भयानक है, मुझे तो देख के डर लग रहा है। आई थिंक वी मेड इट, ऑल क्लियर। ये एरिया पूरा क्लियर है, डन। मैं जोल से कंफर्म कर लूँ एक बार खाली, एक बना कंफर्म कर लेता हूँ। डन है, डन कर दिया हमने, कर दिखाया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये मिशन सीटल डे वन में है और यहाँ पे एबी है। बहुत बर्फ पड़ रही, मुझे देख के ठंड लग रही है, मुझे देख के ठंड लग रही है। हमें इस घर के अंदर घुसना होगा, बहुत ठंड पड़ रही बाहर। और आगे रनर है। होल्ड R1 टू लिसन। हाँ अच्छा, स्नीक टू कहाँ ग्रैप। नहीं, मुझे उसे मारना नहीं है, उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। ही इज और शी इज जस्ट इन्फेक्टेड। यहाँ पे भी एक और रनर है, वो स्टैंडिंग, नहीं वो अलर्ट है, वो स्टैंडिंग मोड पे सो नहीं रहा। मुझे गन की बुलेट्स यूज़ नहीं करनी, कभी काम आ जाएंगी। मुझे उसे मारना भी नहीं है, बस साइलेंटली एस्केप करना है। कभी भी पीछे मुड़ सकता है, कभी भी पीछे मुड़ सकता है। अरे बाप रे, उसने मुझे देख ही लिया था ऑलमोस्ट। ये क्या है? कुछ बुलेट्स काम आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। अरे पकड़ लिया। ये रनर तो बिल्कुल मेरे सामने था, आई हैव नो ऑप्शन। इसको बाहों में जकड़ के अच्छे से मारता हूँ। हाँ बस, आगे बर्फ पड़ रही है, बहुत ठंड लग रही मुझे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। एक रनर है। अच्छा, वो उस डायरेक्शन में था, उसने देखा नहीं मुझे। इसे भी हम लोग साइलेंटली टेक डाउन करते हैं। ये अभी की बाहें बहुत ही मस्कुलर दिखाई एकदम। उसका डोला ना, एकदम तगड़ा डोला, एकदम मजबूत एकदम। यहाँ पे एक रनर है, दो रनर हैं, दो रनर्स हैं, तीन हैं। नहीं, बच गए। उसने मुझे देख ही लिया था। ध्यान से पकड़ लिया। आई थिंक कोई अलर्ट नहीं हुआ है इसका बाप रे, इसका गला खोद दे अच्छे से। यहाँ से फटाफट निकलते हैं, यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, फटाफट निकलते हैं। हाँ बस, आई थिंक कोई देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमने कर दिया। लेकिन वी मेड इट। यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन बहुत तेज बर्फ़ पड़ रही है। बस फटाफट निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है, निशान है कुछ? अच्छा, ये वाले मिशन में हमारा कंपेनियन है डीना, और डीना कुछ पकड़ के खड़ी है। क्या है ये, क्या है? आई थिंक ये है मल्टीपल कॉकटेल। मल्टीपल कॉकटेल एक तरह का एक्सप्लोजिव वेपन है, बॉम्ब की तरह मेरे। यहाँ पे तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है, इन्फेक्टेड ही है, लेकिन यहाँ पे और कोई नहीं है। एक को तो मैंने पकड़ लिया, शुरुआत कर दी है। ऑल राइट, अब देखते हैं यहाँ पे कौन है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सब कुछ। अरे एक रनर है, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था, बच गए हम लोग। और वो सेम डायरेक्शन में तो मुझे देख लेता और सबको अलर्ट कर देता।
अच्छा यहाँ पे एक क्लिकर है। एक क्लिकर तो काफ़ी ओल्ड लग रहा है मुझे। हाँ काफ़ी बुढ़ा है लेकिन, चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्लिकर को टेक डाउन करना मुश्किल है क्योंकि ये सुन सकता है हमें। एक रनर भी है। अरे फटाफट इस क्लिकर को टेक डाउन करता हूँ, इससे पहले रनर मेरे पीछे ले। फटाफट फटाफट फटाफट। वो रनर कहाँ पे क्या? हाँ उस तरफ क्या है, वो कभी भी इस तरफ आ सकता है। उस रनर को फटाफट टेक डाउन करना होगा, वो देख सकता है मुझे। फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ बस उसने देख ही लिया था मेरे ख्याल से। अभी मेरे ख्याल से एक क्लिकर बचा है, तो दूर है काफ़ी लेकिन उसे टेक डाउन करना ही पड़ेगा। अच्छा ये क्या लिखा है? ब्रेड एंड स्वीट्स। आई थिंक यहाँ पे पहले कोई बेकरी की दुकान थी। ये क्लिकर तो बहुत पास आ चुका है। अरे हाँ पकड़ लिया। आई थिंक ऑल क्लियर, अब कोई बचा नहीं है। वी मेड इट। अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ कहीं से आ रही है लेकिन। यहाँ पे तो कोई नहीं है, सब रास्ता साफ है लेकिन। अभी कौन बचा है लेकिन? तो जो भी हो जल्दी बाहर निकलो भाई। डरने की ज़रूरत नहीं भाई, बाहर निकलो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे ये रहा फटाफट। अरे छुप के बैठा है। अब कौन है वो? रनर है कि क्लिकर है? मुझे पता नहीं, वो वहाँ जाके देखना पड़ेगा। देखते यहाँ पे कौन है यहाँ पे। अरे कहाँ गया वो? रहा रनर है। चलो शुक्र, रनर को तो इजीली टेक डाउन कर देंगे। तो पीछे मुड़ के कभी भी देख सकता है। फटाफट इसे, हाँ पकड़ गया, पकड़ में आ गया। बहुत तूने छुपम छुपाई खेल ली। हाँ आई थिंक नाउ वी मेड इट। अब तो कोई बचा नहीं है, वो लास्ट था। यस आई थिंक वी मेड इट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और ये एली गैस मास्क निकालती हुई, और ये डीना ने भी गैस मास्क निकाल लिया है। डीना तारीफ कर रही है, हाँ हम लायक हैं उसके। और यहाँ पे एबी है, हमारा कंपेनियन कोई नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। अरे बच गए। ट्रक निकला और जैसे ट्रक निकला बाकी सारे रनर्स उस तरफ भाग रहे हैं। एकदम सही टाइमिंग था। काश मेरे पास कोई साइलेंसर वेपन होता, मैं इन दोनों का हेडशॉट लेता यहाँ से। पर अभी कोई नहीं, मुझे इनसे बच के निकलना होगा। वो इस तरफ कभी भी आ सकते हैं, मुझे किसी को मारना नहीं है, बस बच के निकलना यहाँ से। फटाफट निकलते हैं। बस ये एक रनर है यहाँ पे खाली, उससे बच के निकलना है। और एक क्लिकर भी है, क्लिकर देखा नहीं, वो स्टैंडिंग मोड पे सो रहा है। क्लिकर को अलर्ट ना हो तो अच्छा। उसे क्लिकर को आई थिंक स्टिल्थ किल करना ही होगा। ध्यान से, धीरे से, धीरे से, बिल्कुल धीरे से। हाँ पकड़ लिया। आई थिंक कोई अलर्ट नहीं हुआ है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। कोई अलर्ट नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ। बस निकलते हैं यहाँ से फटाफट। यहाँ पे तो आई थिंक कोई नहीं है, हमें ओवन को ढूंढना होगा आगे जाके। ओके डन, हमने कर दिया, वी मेड इट। ये मिशन में एली और हमारा कंपेनियन है डीना। ये मिशन भी सीटर डे वन में है, जहाँ हम कोर्ट हाउस पहुँचते हैं। हम कोर्ट हाउस के अंदर पहुँच चुके हैं और अंदर है एक क्लिकर। तो एक क्लिकर बहुत ही डेंजरस है और वो हंग्री है, वो चिल्ला रहा है, वो भूखा है। उससे मुझे पीछे मुड़ना की वेट करनी होगी। भले वो देख सकता नहीं लेकिन फिर भी मुझे वेट करना होगा, पीछे मुड़ जाए। बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलना होगा, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ बाप रे, क्लिकर की बाहें तो कैसी हैं, हाईली इन्फेक्टेड। बहुत ही अच्छा करेक्टर है क्लिकर, एकदम डेंजरस हॉरिबल। रनर्स तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रनर भी तो पकड़ लिया। बस ये भी लोगों को अलर्ट कर सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे एक क्लिकर है, एक क्लिकर मेरा पीछा छोड़ने नहीं वाला, इसे मारना मुश्किल है थोड़ा। ध्यान से धीरे 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 धीरे। एक क्लिकर की हियरिंग पावर तेज है काफ़ी, इसकी शक्ल तो बाप रे।
खतरनाक है। एक रनर है वो स्टैंडिंग मोड पे सो रहा है, उसे मारना काफी आसान है। एंड आई थिंक ही इज द लास्ट वन एंड दैट्स इट। आई थिंक वी मेड, हमने ऑल क्लियर है, अब कोई बचा नहीं। यहाँ पे कोई है? यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे एक है, ये रहा। पटा फटाफट, मुझे लगा तो सब लोगों को क्लियर कर दिया है। आई थिंक नाउ वी मेड इट, अब कोई बचा नहीं है। ये कोर्ट हाउस का पूरा एरिया क्लियर है। डन डन, आई थिंक डन। मैं डीना से कंफर्म कर लूँ? हाँ डन, हमने कर दिया। ओके आगे बढ़ते हैं। ये मिशन में हम हॉस्पिटल में नौरा को ढूंढने पहुंचते हैं एबी का पता पूछने के लिए। और आगे हमारे सामने एक गार्ड है, बैठी है बिल्कुल आराम से बैठी है। और क्या कर क्या रही है? अरे अब तू मेरी पकड़ में आ गई बैठे, गेम खेल रही थी बैठे। आवाज़ मत करना, मेरे सवालों के जवाब दे। जल्दी बता नौरा कहाँ पे है? नौरा कहाँ पे बता? हाँ वो हॉस्पिटल में कहाँ पे है? अपर फ्लोर पे। चल ठीक है, तेरी जान बचती जा। अरे ये तो भीगी बिल्ली की तरह मार रही है। सही में मैं तेरे को मारना नहीं चाहता था, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी दिखाई। हाँ डम भी है वो, शी इज़ फुलिश। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, हम फिर मिलते हैं अगले गेम प्ले में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।